यूं तो साल 2022 में कई बॉलीवुड सितारों के दिल से दिल मिले हैं और ब्रेकअप हो चुके हैं। सितारों के बीच पैचअप भी हुए हैं, जिनके लिए ये साल बहुत लकी साबित हुआ। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वहीं साल 2022 में बड़े पर्दे के 5 सितारों के दिल टूटे हैं और उनके लिए ये साल बहुत बेकार गया है। पर वो कैसे और कौन कौन से वो सितारे, चलिए आपको बताते हैं। नंबर 6, शमिता शेट्टी। पिछले 2 साल से शरारा अभिनेत्री शमिता शेट्टी अभिनेता राकेश बापट को डेट कर रही थी, लेकिन पिछले मंगलवार को इन्होंने अपने सोशल मीडिया के थ्रू ये ऐलान कर दिया है कि राकेश से अब इनका कोई रिश्ता नहीं रहा। हालांकि दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ है ये तो कोई नहीं जानता, पर इस साल शमिता का दिल पूरी तरह से टूट गया है। नंबर 5, सोहेल खान। कृष्णा कॉटेज जैसी फिल्मों में काम कर घर घर फेमस हुए अभिनेता सोहेल खान का दिल भी इस साल पूरी तरह से टूट गया है, क्योंकि इनकी बसी बसाए गृहस्थी उजड़ने पर आ गई है। जी हाँ दोस्तों, इनकी वाइफ सीमा सचदेव के साथ जो रिश्ता सालों से चल रहा था वो अब टूट चुका है, क्योंकि इन दोनों का इस साल में तलाक भी हो चुका है। नंबर 4, सुजैन खान। अभिनेता ऋतिक रोशन की वाइफ सुजैन खान ने तो अपनी शादी 14 साल दिल से निभाई, पर आपसी अनबन होने के चलते ही अपना रिश्ता नहीं बचा पाई और दोनों का तलाक हो गया, जिसका बुरा सुजैन को लगा ही था। साथ ही इस साल 2022 में इनका दिल भी टूट गया, क्योंकि इन्हें ऋतिक की दूसरी शादी की खबर मिली थी। नंबर 3, इब्राहिम अली खान। यूं तो स्टार किड इब्राहिम अली खान आज पलक तिवारी को डेट कर रहे हैं, पर इसी साल के अंदर बीच बीच में पलक ने इन्हें छोड़कर जाने की बात कही, इस वजह से इनका भी दिल टूट गया है। नंबर 2, दिशा पटानी। MS धोनी फेम एक्ट्रेस दिशा पटानी अपने सुख दुख के साथ टाइगर श्रॉफ से बहुत प्यार करती हैं और उनसे शादी भी करना चाहती थी, पर इसी साल के अंदर इनका ब्रेकअप हो गया और उनसे जुदा होकर इनका भी दिल टूट गया। नंबर 1, न्यासा देवगन। वैसे तो न्यासा देवगन आज अपने मन चाहे बॉयफ्रेंड वेदांत महाजन के साथ है, बावजूद इसके इनकी वजह से इस साल इनका भी दिल टूट गया, क्योंकि वो दूसरी विदेशी लड़कियों को चेप होते हैं जो न्यासा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वेल दोस्तों, कुछ कहना चाहेंगे आप इन सितारों के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।